हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप अपस्टॉक के अंदर इक्विटी ट्रेडिंग करेंगे। इक्विटी ट्रेडिंग में आप कैसे रेगुलर ऑर्डर पुट करेंगे, रेगुलर ऑर्डर के अंदर कैसे आप उसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे, कैसे आप लिमिट प्राइस सेट करेंगे, मतलब कि इक्विटी ट्रेडिंग आपको सब कुछ कंफर्म पता चल जाएगा। कैसे स्टार्टिंग से लेके आपको कैसे सेट करना, लिमिट प्राइस कैसे सेट करना, टारगेट कैसे लगाना, स्टॉप लॉस कैसे लगाना, ऑर्डर कैसे पुट करना है, आप वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक को सब्सक्राइब नहीं करा, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं ये 2x मार्जिन वाला, कि आपको डबल मार्जिन मिल जाए जितना आपका फंड होगा उसके साथ आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग, उसकी वीडियो मैंने यहाँ पे बनाई हुई है अब स्टॉक्स की, उसको आप यहाँ पे प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। इसकी आपको हर की प्ले लिस्ट मिल जाएगी। आप अब स्टॉक की प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको इसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। इसके अलावा 5 पैसा, एंजल ब्रोकिंग, जरोदा के बारे में भी मैंने अलग अलग प्ले लिस्ट क्रिएट करी हुई है, आप उनको भी देख सकते हैं जो भी आपके डाउट्स हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, हम कोई भी एग्जांपल एक स्टॉक लेते हैं जिसमें हमें ट्रेडिंग करनी, इक्विटी रिलायंस का स्टॉक है। इस पर मैंने क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपके पास प्राइस आएगा किस रेट पे अभी चला हुआ है, ये रिलायंस इक्विटी का ये NSE के अंदर है। उसके बाद आज इसमें +1.9% की मतलब कि प्रॉफिट, इसमें टोटल गेनिंग है तो 44 रुपीज़ का इंक्रीज है ये। इस पर आप क्लिक करेंगे ऑप्शन चेन आ जाएगा, उसकी समरी आ जाएगी यहाँ पर, कितने पे ओपन हुआ, क्लोज कितने पे हुआ था, वॉल्यूम जनरेट कितना हुआ, लोअर सर्किट कितने पे लग सकता, अपर सर्किट कितने पे लग सकता, एवरेज ट्रेड मतलब कि बाइंग और सेलिंग मिला के कितने पे सेल हुआ है। उसके बाद हमें स्टॉक को बाय करना था, हम बाय पे क्लिक करेंगे। जब हम बाय पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पेज ओपन होगा, सबसे पहले आएगा रेगुलर ऑर्डर, सेकंड आपका GTT। आज हम बात करेंगे रेगुलर ऑर्डर के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में क्रिएट करूँगा GTT आप कैसे पुट करेंगे। रेगुलर में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके पास है डिलीवरी, अगर आपको डिलीवरी पोजीशन लेनी है, सेकंड इंट्राडे सेम डे, ये आपको पता है कि इंट्राडे में सेम डे आपको स्केयर ऑफ करना पड़ेगा मार्केट क्लोजिंग के 15 मिनट पहले। डिलीवरी में आप लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं, बट इसमें भी दो सेगमेंट हो गए, सबसे पहले डिलीवरी जो आपके फंड से करेंगे, सेकंड आपका मार्जिन जिसमें आप डबल 2 टाइम्स मार्जिन ले सकते हैं, बट उसमें कुछ क्राइटेरिया होंगे कि आपको 90 डेज होल्ड रखना पड़ेगा, प्लेज करना पड़ेगा, इंटरेस्ट आपका पे लगेगा, उसको आप इस वीडियो में देख सकते हैं जो उसकी मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई है। अब हम सबसे पहले डिलीवरी कलेक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कितनी क्वांटिटी हमें बाइंग करनी है यहाँ पे हम डालेंगे, उसके बाद मार्केट प्राइस मतलब प्राइस हमें किस प्राइस पर रेट को बाई करना। अगर हम मार्केट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे प्राइस नहीं डाल सकते, अगर हमें ये हम चाहते हैं कि इस स्टॉक को किसी लिमिट के साथ बाई करें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे लिमिट पर, लिमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास प्राइस का ऑप्शन आ जाएगा किस रेट पर आपको बाई करना। अब इसका करंट रेट मान कर चलते हैं कि 2369 चला हुआ है, आप चाहते हैं इसकी 2350 पे मैं इसको बाय करूं तो आप यहां पे मैन्युअली प्राइस डाल सकते हैं। उसके बाद ये मार्केट में आपको पता है कि लिमिट कैसे लगाना है, फिर ये SL आपको अलग से लगाना पड़ेगा, आप इसके साथ SL नहीं लगा सकते, आप इसमें या तो मार्केट सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप लिमिट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों को सिलेक्ट नहीं करेंगे, आप इस पर सिलेक्ट करेंगे तो आप पे स्टॉप लॉस ऑर्डर लग जाएगा। स्टॉप लॉस ऑर्डर कब लगाया जाता है, जब आपके पास ऑलरेडी पोजिशन हो, बट हम फर्स्ट टाइम इसको बाय कर रहे हैं तो हम स्टॉप लॉस ऑर्डर अभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब हमारा ये ऑर्डर बाय हो जाएगा उसके बाद अगेन फिर रेगुलर ऑर्डर में जाके SL सेलेक्ट कर सकते हैं, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा SL आपको कैसे लगाना, कैसे आपको GTT लगाना है। इसमें फिर आएगा एडिशनल सेटिंग, और नीचे आपके पास एक ऑप्शन है रिक्वायर्ड, मतलब कि आपको एक स्टॉक बाय करने के लिए आपको इतना मार्जिन आपको पे करना पड़ेगा 2369। और वो मार्जिन ट्रेडिंग वाला फंडा क्या है कि आपको मार्जिन ट्रेडिंग एक्टिवेट करने के बाद इसमें आपको दो मतलब कि इतने फंड में आपको 2 स्टॉक मिल जाएंगे, मतलब कि 50% एक्स्ट्रा आपको मार्जिन मिल जाएगा। अब हम सिलेक्ट करते हैं एडिशनल सेटिंग पे। एडिशनल सेटिंग में क्या आएगा, इसमें आएगा सिर्फ कुछ नहीं, वैलिडिटी मतलब कि आपको ये पूरा दिन ऑर्डर वैलिड रखना है, फिर इमीडिएट ऑर्डर कैंसिल। इमीडिएट ऑर्डर कैंसिल का मतलब है कि आपने जब ऑर्डर पुट करा, पुट करने के बाद ही अगर वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है तो आपका ऑर्डर्स में आ जाएगा, वरना आपका कैंसिल हो जाएगा। हमेशा आप डे ही रखना जिससे कि आप इसमें वैलिडिटी डे में पूरा दिन आपके पास ऑर्डर रहे। अब रिव्यू बाय ऑर्डर है, यह भी कन्फर्म नहीं होगा, जब आप इस पर रिव्यू पर क्लिक करेंगे तो मतलब कि आपके पास ये आएगा कि आपको रिव्यू दिखाएगा। रिव्यू का मतलब देखो, अब ये सबमिट हो जाएगा जब आप इसे सबमिट पर क्लिक कर देंगे। डिलीवरी ऑर्डर है, क्वांटिटी ए क्वांटिटी, टोटल अमाउंट इतनी आपकी लगेगी, व्यू टैक्स एंड चार्जेस, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको टैक्स एंड चार्जेस पता चलेगा, आपकी ब्रोकरेज कितनी डिडक्ट होगी 20 रुपीज़, क्योंकि अब स्टॉक्स के अंदर आपकी जब डिलीवरी पोजिशन लेते हैं या फिर इंट्राडे पोजिशन लेते हैं तो आपकी 20 रुपीज़ बाइंग लगेगी, 20 रुपीज़ सेलिंग लगेगी। गवर्नमेंट चार्जेस कितने होंगे, 6 रुपये 5 पैसे, मतलब कि 6 रुपये 5 पैसे आपका गवर्नमेंट चार्जेस लग जाएगा, GST वगैरह सब कुछ मिला के। और
अब इस पर क्लिक करेंगे डोंट शो द रिव्यू स्क्रीन फ्रंट द नेक्स्ट पेज, मतलब अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका सीधा कन्फर्म हो जाएगा। आप सबमिट ऑर्डर कर देना तो आपका ये रेगुलर ऑर्डर पुट हो जाएगा। इस तरह आप यहाँ पे अब स्टॉक्स के अंदर रेगुलर ऑर्डर लगा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा GTT की एंड स्टॉप लॉस ऑर्डर की, और मार्जिन की मैं वीडियो क्रिएट कर चुका हूँ। और आप YouTube चैनल नॉलेज बुक पे जाएंगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, चाहे आप 5 पैसा की पूरी नॉलेज ले सकते हैं। 5 पैसा में मार्जिन ट्रेडिंग, डिलीवरी ट्रेडिंग, इंट्राडे, फिर आपका या फिर इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन, कमोडिटी, करेंसी। सेम आप एंजल ब्रोकिंग भी ले सकते हैं, सेम आप जरोदा के बारे में। अब ये फोर्थ में बना रहा हूँ अब स्टॉक्स के बारे में। इस तरह मैं यहाँ पे अभी स्टार्टिंग है कि 10th ब्रोकरेज जो भी आपके, जिस तरह टॉप 10 है एंजल, जरोदा, ग्रो ऐप, उसके बाद ये अपस्टॉक्स, 5 पैसा, IC डायरेक्ट, HDFC सिक्योरिटीज, उन सब की मैं टोटल वीडियो क्रिएट करूँगा जिससे आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो आप वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।